नमस्कार, मैं प्रिंसिपल जीएमसी डोडा डॉक्टर दिनेश आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो डोडा में कोविड की सिचुएशन बनी हुई है वो परेशानी भरी है और पिछले कुछ 2 या 3 हफ्तों में डोडा में केस जो है बढ़ते जा रहे हैं और 16 तारीख के बाद हमने इन मरीजों को अपने हॉस्पिटल में एडमिट भी करना शुरू कर दिया और बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आ रहे हैं वो मॉडरेट से सीवियर डिजीज में आ रहे हैं, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है। बात डरने के लिए की नहीं है, लेकिन हम सबको इससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है और वो तैयारी वही है जो हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। आपको पता है, आपको बार बार बताया गया है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के रखें, क्योंकि मास्क पहने रखने से आपको और आपसे कोविड के फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। आप अगर कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं मस्जिद में जाते हैं तो कोशिश करें कि मास्क हमेशा पहन के रखें। आप अपना ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे और पूरी सोसाइटी का ध्यान रखेंगे। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आप ही के जो अंदर से सोसाइटी के अंदर से कुछ ऐसे वॉलंटियर्स बन के आए और जहां कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई इन निर्देशों का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं कर रहा तो आप उन लोगों को समझाएं। ये जो सेकंड कोविड की जो लहर है ये पहली लहर से कई गुना ज्यादा बड़ी है और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसमें जैसा हमने देखा है कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है और इसमें डिटेरियरेशन भी जल्दी हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप अगर घर में हैं या बाहर हैं तो आप इन कोविड के नियमों का वो पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और कोई भी काम करते हुए, अब तो हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर में भी हैं और आप